हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो कि बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो अब मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट को कवर करवाने वाला हूँ, जिसके अंदर में आपकी जो पांचों यूनिट आपके एग्जाम में आने वाली है, उन पांचों यूनिट को काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। पार्ट वाइज आपको वीडियो मिलेंगी, पांचों यूनिट की वीडियो चैनल पर अपलोड मिलेंगी धीरे धीरे करके आपको, जिसके अंदर मैं आपको जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ। तो धीरे धीरे आपको चैनल पर ही सारी वीडियो अपलोड मिलती रहेंगी। जिन वीडियो नोट्स में से मैं ये आपको कवर करवा रहा हूँ, ये पेड नोट्स हैं। अगर आपको ये परचेज करने हैं तो आप ये परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 159 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर मैंने आपका जो भी एग्जाम का सिलेबस है वो सारा सिलेबस कवर करवाया है। साथ में आपको उनके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर यूनिट के कवर करवाए हैं इसी पीडीएफ के अंदर। इसका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है ये सेमेस्टर 5 के अंदर, तो इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। बाकी ब्लूप्रिंट वगैरह जो भी मिलेगा वो आपको मैं यही चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं। तो देखिए, आज हमारे पास जो आपकी यूनिट नंबर 2 है उसकी वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमें इनकम इफेक्ट और इससे आगे का कंसेप्ट करना है। इससे पहले का कंसेप्ट और यूनिट नंबर 1 हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर वो वीडियोज अपलोड हो रखे हैं, आप उन्हें वहां चेक कर सकते हैं। इनकम इफेक्ट क्या होता है? द इनकम इफेक्ट मेजर द चेंज इन कंज्यूमर परचेजिंग पावर और रियल इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड्स। क्या बोला है, इनकम इफेक्ट का क्या मतलब होता है? इनकम इफेक्ट मेजर करता है कि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर में क्या चेंज आता है, या फिर रियल इनकम में क्या चेंज आता है जब किसी गुड्स के प्राइस में चेंज आता है, तो उसकी इनकम में मतलब उसकी परचेजिंग पावर में क्या चेंज आता है, ये बताता है इनकम इफेक्ट। नॉर्मल गुड्स, अब ये 3 गुड्स के केस में देखा जाता है। एक होते हैं हमारे नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं इंफीरियर गुड्स, एक होते हैं गिफिन गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, फॉर नॉर्मल गुड्स अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ गुड्स इंक्रीज द कंज्यूमर रियल इनकम। जब एक गुड्स का प्राइस कम होता है तो उससे क्या होता है, जो कंज्यूमर की रियल इनकम है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? पहले जिस गुड्स के ऊपर कंज्यूमर 100 रुपए खर्च कर रहा था, अब उस गुड्स के ऊपर अगर 80 रुपए खर्च कर रहा है तो उसकी जो 20 रुपए से इनकम बढ़ गई है, एक तरीके से वो उसकी रियल इनकम इंक्रीज हो गई है। दिस रिजल्ट इन कंज्यूमर परचेजिंग पावर ऑफ सॉरी दिस इंक्रीज इन रियल इनकम अलाउ द कंज्यूमर टू परचेज मोर ऑफ बोथ द चीपर गुड्स एंड द अदर गुड्स। तो इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर है उसकी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है, अब वो या तो सेम गुड्स को या दूसरे गुड्स को ज्यादा खरीद सकता है। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, फॉर इंफीरियर गुड्स अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज द कंज्यूमर्स रियल इनकम। इन्फीरियर गुड्स के केस में भी अगर इन्फीरियर गुड्स का प्राइस कम होता है तो उससे कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। दिस रिजल्ट इन कंज्यूमर परचेजिंग पावर ऑफ चीपर गुड्स विच इज नाउ परसीव्ड एज मोर अफोर्डेबल रिलेटिव टू अदर गुड्स। इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है, जिससे वो जो सस्ते गुड्स होते हैं उसे और ज्यादा खरीद सकता है, क्योंकि अब वो अफोर्डेबल हो जाते हैं। गिफिन गुड्स के केस में क्या होता है, व्हेन द प्राइस ऑफ गिफिन गुड्स राइज द कंज्यूमर परसीव देम लेस एज पुअरर ओवरऑल। अगर जो गिफिन गुड्स होते हैं उनका प्राइस बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, कंज्यूमर अपने आप को गरीब समझने लगता है। एज अ रिजल्ट दे मे बाय मोर ऑफ द गिफिन गुड डिस्पाइट इट्स हाई प्राइस। तो इससे क्या होता है, अब वो इन गिफिन गुड्स को और ज्यादा खरीदता है, जबकि इसके प्राइस बढ़ गए होते हैं फिर भी वो इन्हें ज्यादा खरीदता है, बिकॉज दे कैन नो लॉन्गर अफोर्ड मोर एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव। क्योंकि अब उसके पास जो और ज्यादा महंगे गुड्स होते हैं वो उन्हें नहीं खरीद सकता है, क्योंकि जो सस्ते गुड्स थे उसी के प्राइस बढ़ गए हैं, तो वो इन्हीं गुड्स को और ज्यादा खरीदता है लेकिन और महंगे गुड्स को नहीं खरीद पाता है। ठीक है, सेकंड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मेजर हाउ द चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर डिसीजन टू सब्स्टिट्यूट बिटवीन देम। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या मेजर करता है कि एक गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से जो कंज्यूमर है उसके परचेजिंग में क्या चेंज आता है, कि वो किस दूसरे गुड्स पर या किस तरीके से उस गुड्स को परचेज करता है या दूसरे गुड्स को परचेज करता है, मतलब किस तरीके से वो जिस गुड्स के प्राइस में चेंज आया है उसे सब्स्टिट्यूट करता है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में फॉर नॉर्मल गुड्स आर डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड मेक इट रिलेटिव चीपर कंपेयर टू अदर गुड्स। जब नॉर्मल गुड्स का प्राइस कम होता है तो उस केस में क्या होता है, वो गुड सस्ता हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर गुड्स।
कंज्यूमर टेंड टू सब्स्टिट्यूट अवे फ्रॉम द मोर एक्सपेंसिव गुड्स टुवर्ड्स द चीपर गुड्स इंक्रीजिंग इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो जिस गुड्स का प्राइस कम हुआ होता है उस गुड्स की परचेज ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो एक्सपेंसिव गुड्स से मतलब जो दूसरे गुड्स हैं उससे सस्ता हो जाता है, तो कंज्यूमर उस गुड्स को ज्यादा खरीदने लगता है। इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, फॉर इन्फीरियर गुड्स द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टेंड टू रीइंफोर्स द इनकम इफेक्ट। अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ इन्फीरियर गुड्स मेक इट्स रिलेटिव चीपर इनकरेजिंग कंज्यूमर टू सब्स्टिट्यूट टुवर्ड अदर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, इसके केस में भी यही होता है, जब एक इन्फीरियर गुड्स के केस में अगर इन्फीरियर गुड्स का प्राइस कम होता है तो इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर है वो दूसरे गुड्स खरीदना शुरू कर देता है, क्योंकि जो इन्फीरियर गुड्स था वो अब सस्ता हो गया है, तो बाकी सारे लोग भी इसे खरीदने लगे होंगे। तो अगर बाकी सारे लोग इसे खरीदने लगे हैं तो जो कंज्यूमर होते हैं इन्फीरियर गुड्स के, वो दूसरा एक्सपेंसिव गुड्स खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे डिफरेंट दिखना होता है। थर्ड है गिफिन गुड्स। तो इन केस ऑफ गिफिन गुड्स दिस इफेक्ट इज ओवरवेटेड बाय इनकम इफेक्ट लीडिंग टू इंक्रीज इन डिमांड व्हेन द प्राइस राइज। गिफिन गुड्स के केस में भी क्या होता है, जब इन गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, गिफिन गुड्स के केस में जब इन गुड्स का प्राइस बढ़ता है तब कंज्यूमर इन गुड्स को ज्यादा खरीदता है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव हो जाते हैं और वो एक्सपेंसिव गुड्स खरीदने शुरू कर देता है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट के बारे में था कि तीनों तरीके के गुड्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन हाउस होल्ड सेविंग। जो इंटरेस्ट रेट होता है उसकी हाउस होल्ड सेविंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका, तो हायर इंटरेस्ट रेट इनकरेज सेविंग। व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द रिटर्न ऑन सेविंग अकाउंट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बॉन्ड एंड अदर इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो इंक्रीज। क्या बोला है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं या सेविंग अकाउंट होता है उसका भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है, मतलब उस पर जो हमें रिटर्न मिलने लगता है वो ज्यादा रिटर्न मिलने लगता है। दिस हायर रिटर्न इंसेंटिव हाउस होल्ड टू सेव मोर मनी। तो अगर अब हमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो हाउस होल्ड क्या इनकरेज हो जाएंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करना है, जिससे हमें उस पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। इट बिकम मोर अट्रैक्टिव फॉर इंडिविजुअल टू डिपॉजिट देयर मनी इन सेविंग अकाउंट और इन्वेस्ट इन लोअर रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करने लगते हैं, अपनी मनी को सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करने लगते हैं या लो रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने लगते हैं, जिससे उन्हें हायर इंटरेस्ट रेट पर रिटर्न मिले। सेकंड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंजप्शन। तो हायर इंटरेस्ट रेट मीन्स दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमिंग टूडे रदर देन सेविंग फॉर फ्यूचर बिकम मोर सिग्निफिकेंट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो क्या होता है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसे आज कंज्यूम करने की वो ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू सेविंग इट फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए उसे बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू कंज्यूमिंग इट टूडे। तो कंज्यूमर में चूज टू डिले स्पेंडिंग एंड इंक्रीज देयर सेविंग टू टेक एडवांटेज ऑफ हायर रिटर्न अवेलेबल फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। तो कंज्यूमर क्या चूज करता है, वो उस पैसे को आज कंज्यूम करने से मतलब आज स्पेंड करने से ज्यादा ये सोचता है कि मैं इसे सेव कर लेता हूँ, जिससे फ्यूचर में मेरे को इस पर ज्यादा रिटर्न मिले और मेरी सेविंग्स और ज्यादा बढ़ जाए, मेरे पास और ज्यादा पैसा फ्यूचर में होगा। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन। तो हायर इंटरेस्ट रेट कैन रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम अवेलेबल फॉर कंजम्पशन इफ सेविंग इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। क्या बोला है, अगर हायर इंटरेस्ट रेट होगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम रहेगी। डिस्पोजेबल इनकम मतलब खर्च करने वाली जो इनकम होती है वो कम रहेगी कंज्यूमर के पास, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करेगा क्योंकि उसे हायर रिटर्न मिल रहा होता है। इन शॉर्ट टर्म हायर इंटरेस्ट रेट माइट लीड टू डिक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो कंज्यूमर क्या करता है, कम से कम खर्चा करता है एज हाउस होल्ड प्रायोरिटाइज सेविंग ओवर इमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि उन्हें सेविंग ज्यादा करनी होती है जिससे उन्हें ज्यादा रिटर्न मिले। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो चॉइस। तो हाउस होल्ड सेविंग डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न ऑफर्ड बाय वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। हायर इंटरेस्ट रेट माइट इनकरेज डाइवर्सिफिकेशन इनटू डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स सच एज बॉन्ड इक्विटी दैट ऑफर हायर रिटर्न कंपेयर टू ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट। क्या बोला है, पोर्टफोलियो में भी चेंज आ जाता है अगर जो हाउस होल्ड होते हैं उनका सेविंग डिसीजन किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर कोई और इंस्ट्रूमेंट उन्हें सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न देगा तो वो उस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, और अगर सेविंग अकाउंट उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट देगा तो वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है डेट सर्विसिंग रेशियो। फॉर हाउस होल्ड विद डेट हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग लोन इंक्लूडिंग मॉर्गेज क्रेडिट कार्ड डेट एंड पर्सनल लोन। दिस कैन लीड टू हायर मंथली पेमेंट एंड रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम अवेलेबल फॉर सेविंग और कंजम्पशन। क्या बोला है, हाउस होल्ड के लिए डेट जो लेते हैं उनके लिए हायर इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है, जो लोन लेना है उसकी भी कॉस्ट ज्यादा होना।
तो इसकी वजह से क्या होता है, लोन लेने की कॉस्ट जब ज्यादा होती है तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम कम बचती है, जिसकी वजह से वो खर्चा कम कर पाते हैं। ठीक है, ये आपका इफेक्ट हो गया कि इंटरेस्ट रेट का हाउस होल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लमसम सब्सिडी का। अ लमसम सब्सिडी आल्सो नोन एज डायरेक्ट सब्सिडी और ग्रांट इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री, फर्म और ग्रुप विदाउट एनी डायरेक्ट रिलेशन टू प्रोडक्शन और कंजम्पशन लेवल। लमसम सब्सिडी को हम डायरेक्ट सब्सिडी या ग्रांट भी कहते हैं। ये एक तरीके की फिक्स्ड अमाउंट होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है किन्हें कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, फर्म्स या ग्रुप को, बिना किसी प्रोडक्शन या कंजम्पशन के साथ लिंक रख के उन्हें डायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, वो कहलाती है आपकी लमसम सब्सिडी। दिस सब्सिडी इज टिपिकली गिवन टू इनकरेज और सपोर्ट अ पर्टिकुलर सेक्टर और एक्टिविटी डीम्ड बेनिफिशियल टू इकोनॉमी और सोसाइटी। ये सब्सिडी किस लिए दी जाती है, इसलिए दी जाती है ताकि कुछ जो स्पेसिफिक सेक्टर है या स्पेसिफिक एक्टिविटी है उन्हें सपोर्ट किया जा सके डायरेक्टली, क्योंकि वो जो एक्टिविटी है उससे सोसाइटी और इकोनॉमी का वेलफेयर होगा, इसलिए ये सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है। फीचर्स क्या क्या होते हैं, फिक्स्ड अमाउंट होती है, द सब्सिडी अमाउंट रिमेन कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस और सोल्ड बाय रिसिपिएंट। जो सब्सिडी की अमाउंट है वो फिक्स रहती है, चाहे जो जिसे सब्सिडी दी गई है उसका आउटपुट कितना भी हो, वो कितने भी गुड्स प्रोड्यूस करे, उससे कोई मतलब नहीं है, जो अमाउंट रहेगी सब्सिडी की वो फिक्स रहती है। पर्पस, इट इज ऑफन यूज टू ऑफसेट इनिशियल सेटअप कॉस्ट, इनकरेज इनोवेशन, प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सपोर्ट इंडस्ट्रीज फेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस। इस सब्सिडी का पर्पस क्या होता है, या तो जो सेटअप कॉस्ट है उसे कवर करवाना कि जो एक इंडिविजुअल को सेटअप करने में कॉस्ट लगी है उसे कवर कर दिया जाए, या फिर इनोवेशन इनकरेज करने के लिए दी जाती है कि आप ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन करें, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, या फिर ऐसे सेक्टर को दी जाती है जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा होता है। ठीक है, नॉन डिस्ट्रॉटिंग, सिंस द सब्सिडी इज नॉट टाइड टू प्रोडक्शन लेवल, इट नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस सप्लाई और डिमांड डिसीजन इन द मार्केट। क्योंकि ये सब्सिडी प्रोडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, तो मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारी एक्साइज सब्सिडी। एन एक्साइज सब्सिडी आल्सो नोन एज स्पेसिफिक सब्सिडी इज अ सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड। एक्साइज सब्सिडी स्पेसिफिक सब्सिडी होती है, ये सिर्फ उन लोगों को दी जाती है, गवर्नमेंट किस बेसिस पर देती है कि किसी इंडिविजुअल ने या किसी प्रोड्यूसर ने कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस और कंज्यूम कराया है, उसके बेसिस पर जो सब्सिडी दी जाए वो कहलाती है आपकी एक्साइज सब्सिडी। अनलाइक अ लमसम सब्सिडी, एन एक्साइज सब्सिडी इज टाइड टू प्रोडक्शन और कंजम्पशन लेवल ऑफ गुड्स। जो लमसम सब्सिडी होती है उसका प्रोडक्शन या कंजम्पशन लेवल से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन जो आपकी एक्साइज सब्सिडी होती है वो आपके प्रोडक्शन और कंजम्पशन के लेवल पर ही, लेवल के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। तो इसके फीचर्स के क्या हो जाते हैं, क्वांटिटी बेस्ड होती है, द सब्सिडी अमाउंट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस और कंज्यूम। आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करा, कितना आउटपुट कंज्यूम करा, उसके बेसिस पर आपको ये सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट है पर्पस, इट इज यूज्ड टू लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, इनकरेज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सपोर्ट इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज। इसका पर्पस क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना, दूसरा आपको आप ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन और कंजम्पशन करें जो कि गवर्नमेंट चाहती है और गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए ये दी जाती है। उसके अलावा ऐसी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए दी जाती है जो इसेंशियल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं, उनको ये दी जाती है। मार्केट इन्फ्लुएंस, तो एक्साइज सब्सिडी कैन डिस्टॉर्ट मार्केट आउटकम बाय आर्टिफिशियली रिड्यूसिंग द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। जो एक्साइज सब्सिडी होती है वो प्रोडक्शन और कंजम्पशन लेवल पे से जुड़ी हुई होती है, तो इसका मार्केट के डिमांड और सप्लाई पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, डिफरेंस क्या है लमसम सब्सिडी और एक्साइज सब्सिडी में, सबसे पहले बेसिस ऑफ सब्सिडी। तो जो लमसम सब्सिडी है वो आपकी फिक्स्ड अमाउंट होती है, बिना किसी प्रोडक्शन या कंजम्पशन लेवल पर बेस नहीं होती है। वहीं जो आपकी एक्साइज सब्सिडी होती है वो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस और कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। पर्पस क्या होता है, लमसम सब्सिडी आपकी किस लिए दी जाती है, स्टार्टअप कॉस्ट को इनोवेशन कवर करने के लिए, इनोवेशन को इनकरेज करने के लिए और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट करवाने के लिए। जो आपकी एक्साइज सब्सिडी है वो आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए और इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करने के लिए दी जाती है। मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, लमसम सब्सिडी होती है उसका मार्केट आउटकम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। वहीं जो एक्साइज सब्सिडी होती है वो मार्केट के प्रोडक्शन और कंजम्पशन डिसीजन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है।
एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है? लमसम सब्सिडी कॉमन इन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए दी जाती है। वहीं जो एक्साइज सब्सिडी होती है वो एग्रीकल्चरल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दी जाती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो ये यूनिट नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाती है। इतना ही कंटेंट इसमें बाकी रह गया था, बाकी सारा मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर करवा दिया था। होप सो आप सभी के लिए आज की ये वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।